धनबाद से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। बोकारो के सेक्टर में सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है, केंद्र सरकार ने तो फ्री में अनाज दिया लेकिन सिलेंडर का दाम महंगा कर दिया, शिक्षा और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है। बताइए, लगातार सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया और फील्ड में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की कमियां हैं जो आप पूरा करेंगी? लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। अभी आपको पता होगा कि काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे, बैठे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सुनने की भी आदत है। लोग अगर सुनाते हैं, बताते हैं, स्पीच देते हैं, तो मैं बैठकर इत्मीनान से उनको सुनने का काम करती हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा मेरी सभा में देरी भी हो जा रही है। तो फिर भी लोग इतने इत्मीनान से, जो कि अभी लोगों के काम का भी समय है, लेकिन लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, मुझे सुनने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों सभी को धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद देने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित थे आशीर्वाद देने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या समस्याएं देख रही हैं? समस्याएं छोटी बड़ी काफ़ी समस्याएं हैं, विस्थापितों का मुद्दा है, काफ़ी मुद्दा है छोटी बड़ी, जैसे कि छोटे मुद्दे हैं महिलाओं को पानी की कुछ समस्या है और बहुत सारी समस्या है जिसका हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैंने वादा भी किया है जो जो मैं कर पाऊंगी उसको ज़रूर पूरा करने की। अभी आप कह रहे थे कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो कि भविष्य में आप बच्चे पलट कर जवाब नहीं दे, तो क्या कहना चाह रहे थे कि जिस तरह के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनसे प्रेरित होकर बच्चे उनकी शिक्षा ना ले लें? क्या मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला, मैंने ये बात बोला कि हमारे नेताओं को हम लोग देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे, अगर जो भी चुन कर आएगा तो उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो मैं अपनी माताओं बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि जब भी आप चुने तो एक बार ज़रूर सोचें कि मैं किसके लिए किसको चुन रही हूँ, क्योंकि वो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुन रहे हैं। आपके बच्चे कल को पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? आपके बच्चे अगर वही सीखेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप जैसा भी प्रत्याशी जिसको भी या मुझे या किसी को भी चुनते हैं तो आप ये अपने बच्चों में अगर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि एक बार जब बड़े होंगे बच्चे तो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके चुने हुए प्रत्याशी हैं तो आप फिर क्या जवाब देंगे? महंगाई और शिक्षा पर क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्री में दाल चावल आटा तो दे दिया गया है लेकिन पकाने के लिए सिलेंडर नहीं है। शिक्षा आपको पता ही है कि हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो स्कूल था उसको भी डीएवी को दे दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र पैसा कमा सके और हमारे बच्चे शिक्षा विहीन रह सके। अगर आप आते हैं तो क्या महंगाई पर अंकुश लगा सकेंगे? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगी महंगाई पर अंकुश लगाने का, बिल्कुल मैं अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगी, बिल्कुल मैं अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगी और विकास का ही सिर्फ काम करूंगी। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।